हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा आई विटनेस का बयान लेके आऊंगा जो बयान सुन के शायद आप लोगों को भी पाँव तले जमीन खिसक जाए कि वो कुछ ऐसा कहा था जो सुन के पहले मुझे भी अपना कानों पे विश्वास नहीं हुआ था। पर बाद में मुझे लगा कि ये सारे के सारे चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आप लोग भी इस चीज को गौर से देखिए और देख के समझने की कोशिश कीजिए कि ये व्यक्ति क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कितने निशान थे ऐसे, कितना मतलब क्या टूटा हुआ? ये 15 या 20 निशान थे और यहाँ पे वो कुछ हेलो डेप चिपका हुआ था, खून नहीं था। वो लाल लाल जो अपने शूटिंग लाइन में जो पिक्चरों में काम होता है वो पूरा निशान है। जब अपन हिलाए थे तब वो निशान निकल गया था उससे। वो सब बॉडी कूपर के अंदर ही हो रही थी। मैंने एम्बुलेंस के अंदर डाला था, शमशान घाट तक लेके गया था। जब भी उसको उठाया था तो उसकी टांग टूटी ही थी। दोस्तों, मतलब वो जो आई विटनेस है उनका कहना ये है कि उनकी गले में जो एक सुई चुभोया गया था, तो जब उनको पूछा गया कि सुई चुभोने के बाद क्या वहां से खून निकल रहा था, तो उन्होंने कहा कोई खून वून कुछ नहीं निकल रहा था, उनकी गले में कुछ सेलो टेप। जो सेलो टेप शायद आप लोगों को याद होगा कि डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सेलो टेप का जिक्र किया था, तो सेलो टेप चिपका हुआ था उनकी गले पर। और शूटिंग लाइन में, यानी मूवी बनाने के टाइम शूटिंग लाइन में मेकअप के दौरान जो कलर का यूज किया जाता है वो सेम टू सेम कलर उनकी गले में लगाया गया था। और जब उन्होंने सुशांत को हिलाया था तो वो निशान निकल गया और उनका जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलर उबल के आ गया सामने। यानी जो कलर था वो सुन के यही लग रहा है कि वो एक आर्टिफिशियल कलर था, वो ओरिजिनल कलर नहीं था। तो सेलो टेप के माध्यम से उनकी गले में क्या छुपाने की कोशिश किया जा रहा था ये मुझे समझ में नहीं आया ये वीडियो देख के। तो जिसके जैसे मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि शायद आप लोगों में से किसी को अगर कुछ क्लू मिलता है देखने के बाद, तो प्लीज मेरे साथ वो चीज शेयर कीजिएगा कमेंट पे। प्लीज, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और ये आई विटनेस का दावा ये भी है, ये पूरा का पूरा जो कांड हुआ है ये कूपर में हुआ था, और उसी के साथ साथ सुशांत का पैरों का जो हड्डी है वो टूटा हुआ था, यानी उनकी पैरों में चोट पहुंचा था। बोलो, उनकी पैरों में चोट पहुंचाया था। पर इनकी बात सुन के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोरी कुछ अलग हो सकता है। स्टोरी जो हम देख रहे थे इतना दिन से वैसा स्टोरी नहीं है, पता नहीं। और शायद ये चीज सबको लग चुका है कि ये जो स्टोरी है सुशांत सिंह राजपूत की केस के पीछे वो कुछ अलग होगा, जिसके लिए क्या ये इन्वेस्टिगेशन रुक के रखा गया है? क्या उन लोगों को पता चल चुका है कि ये जो मामला है इस मामले में कुछ बड़ा सा ट्विस्ट है, और जिसके कारण क्या सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके सीबीआई से लेके उनकी परिवार तक कोई बात नहीं कर रहा है, उसी के साथ साथ उनके परिवार से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है कभी भी? तो बहुत कुछ क्वेश्चंस का आंसर दबा हुआ है ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स के ऊपर, जो कि पता नहीं हम लोगों के सामने कभी आएगा भी या फिर नहीं। तो इनका जो बयान है, ये बयान सुन के मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ। मुझे क्या लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को जो स्टंट गन था, उस स्टंट गन की जो सुई था वो सुई चुभो के उनको पैरालाइज्ड किया जाने की कोशिश किया जा रहा था। उसके बाद शायद उनको पीटा गया और उनकी जो पैर का जो हड्डी है वो टूट गया था। पर ये मेरा कन्फ्यूजन है कि क्या वो लोगों ने सुशांत को पूरा शांत कर दिया था या फिर नहीं, क्योंकि एम्बुलेंस से लेकर कूपर तक ये जो जगह है ये पूरा का पूरा एक मिस्टीरियस जगह है। इस जगह में कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा झोलझाल जगह यही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि इस केस में ट्विस्ट लेके आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिए। मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे भरपूर प्रमाण मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। हो सके तो ये सारे के सारे वीडियो को आप लोग शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये वीडियो को उस जगह पहुंचा दीजिए जहां इस वीडियो को होना चाहिए। उसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की इस दौर में अगर अभी तक अपने चारापोना का साथ नहीं दिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चारापोना के साथ रहिए और सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की दौर में एक सैनिक बनिए। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है डाल दीजिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पर। टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हरे।